DJ Moral Stories. ये बास का ट्रैक्टर तुमने खुद बनाया है? हाँ साहब। ये तो बहुत अच्छी चीज है। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा कि इस बांस के ट्रैक्टर से इतनी अच्छी खेती हो सकती है जो आधुनिक तकनीकें नहीं कर सकती। वाह! हम गरीब इंसान हैं, हम भला महंगे ट्रैक्टर से खेती कैसे कर सकते हैं? और फिर गांव के सभी किसान इस बात से परेशान थे कि उनके पास ट्रैक्टर नहीं है, तो मैंने अपनी तकनीक लगाकर ये बांस का ट्रैक्टर बना डाला। बात उस समय की है, तब प्रकाश एक कंपनी में मैकेनिक का काम किया करता था, पर वो कंपनी घाटे में जा रही थी, इसलिए उसे कंपनी से निकाल दिया जाता है। प्रकाश, मैं जानता हूँ तुम बहुत अच्छे मैकेनिक हो, पर मैं भी क्या कर सकता हूँ। इस समय कंपनी बहुत घाटे में जा रही है, जिसकी वजह से मुझे तुम्हें निकालना पड़ रहा है। पर सर, मैं तो शहर आपके भरोसे ही आया था। मेरे पिता तो एक मामूली से किसान है, जो रोजी रोटी कमाता हूँ मैं ही कमाता हूँ। अगर आप मुझे नौकरी से निकाल देंगे तो भला मैं अपने परिवार को कैसे पाल पाऊंगा? देखो प्रकाश, अफसोस की जरूरत नहीं है, तुम एक अच्छे मैकेनिक हो, तुम्हें कहीं ना कहीं काम मिल ही जाएगा। मैं अब इस कंपनी में तुम्हें नहीं रख सकता। प्रकाश काम की बहुत तलाश करता है, पर उसे कोई काम नहीं मिलता, और कुछ समय में किराएदार भी उसे घर से निकाल देता है। वो अपनी परेशानी लेकर गांव जाता है, जहां उसके पिता रमाकांत खेती बाड़ी करते थे। वहां जाकर रमाकांत को वो सारी बात बताता है। बेटा, इतने परेशान क्यों होते हो? अगर नौकरी नहीं मिली तो क्या हुआ? हमारा खेत तो है, यहाँ पर रहकर खेती बाड़ी कर और मेरा हाथ बटा। पर पिताजी, मैंने तो मैकेनिक की पढ़ाई की है, वो तो अब किसी काम की नहीं रही। तू परेशान क्यों होता है? एक बात याद रखना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर तेरी नौकरी छूटी है तो ईश्वर ने कुछ न कुछ सोच कर ही तेरे साथ ऐसा किया है। प्रकाश को दिलासा देकर रमाकांत खेत पर चला जाता है, पर प्रकाश उदास होकर वहीं पर बैठ जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। फिर थोड़ी देर बाद वो भी खेत पर जाता है, जहां पर वो रमाकांत को खुद हल से खेत जोतते हुए देखता है। पिताजी, आप खुद ही हल चला रहे हैं, आप एक ट्रैक्टर क्यों नहीं ले लेते? हमारी इतनी हैसियत कहाँ बेटा, खेती बाड़ी से तो बस गुजर बसर ही हो पाता है, उसमें भला हम ट्रैक्टर कहाँ से ले सकते हैं? इतना पैसा थोड़ी ना बचता है कि हम ट्रैक्टर से खेती कर सके हैं? प्रकाश को ये देखकर बहुत अफसोस होता है। वो पूरे गांव के खेतों में देखता है कि किसी के पास ट्रैक्टर नहीं है, और खेतों के आस पास बांस खड़े हैं जिनका कोई उपयोग नहीं है। तब उसे एक उपाय आता है। अरे प्रकाश, तू ये क्या करने लगा? इन बांसों को क्यों उखाड़ रहा है भला? पिताजी, आप बस देखते रहिए, मैं आपको एक बहुत अच्छा उपहार देने वाला हूँ, आप थोड़ा सा सब्र रखिए। रमाकांत वहाँ से चला जाता है और प्रकाश उन बांसों को उखाड़ कर काम करना शुरू करता है, और दिन रात बस उन्हीं में उलझा रहता है। एक दिन प्रकाश उन बांसों का ट्रैक्टर बनाकर रमाकांत के सामने रख देता है। पिताजी, आप दिन रात इतनी मेहनत करते थे और ट्रैक्टर ले नहीं सकते थे, तो मैंने बांस का ही ट्रैक्टर बना दिया जो आपको खेती में काम आएगा। अरे वाह, ये तो तूने बहुत अच्छा काम किया है, चल अब इसी ट्रैक्टर से हम खेती करते हैं। प्रकाश और रमाकांत उस बांस के ट्रैक्टर से खेती करना शुरू कर देते हैं। कुछ ही दिनों में खेती बहुत अच्छी हो जाती है। वो अपनी उपज को जब बाजार में बेचने जाते हैं तो लोग देखते हैं कि सबसे अच्छी फसल उन्हीं की है। जब फूड इंस्पेक्टर ये जांचने आता है तो वो पूछता है, इतनी अच्छी फसल तो मैंने आज तक नहीं देखी, ये फसल किसकी है और इसे इतना अच्छा किसने बनाया है? मुझे उससे मिलना है। सर, ये तो प्रकाश ने बनाई है, वो बांस के ट्रैक्टर से खेती करता है, इसीलिए उसकी खेती इतनी अच्छी होती है। आजकल प्रकाश और प्रकाश की खेती की चर्चा विषय बनी हुई है।
हर कोई उसके ट्रैक्टर की चर्चा कर रहा है। बांस का ट्रैक्टर? ये कैसा ट्रैक्टर है? मैंने तो आज तक ऐसे ट्रैक्टर का नाम ही नहीं सुना। बांस का ट्रैक्टर भला खेती कैसे कर सकता है? बांस के ट्रैक्टर को और बांस के ट्रैक्टर को बनाने वाले को देखना पड़ेगा। चलो मुझे प्रकाश के पास लेकर चलो। फूड इंस्पेक्टर केशव जब प्रकाश से मिलता है और उससे बात करता है तो वो बहुत खुश होता है और प्रकाश को बहुत प्रोत्साहित करता है, जिससे गांव वाले भी बहुत खुश होते हैं। और फिर प्रकाश पूरे गांव के लिए बांस के ट्रैक्टर बनाता है। पूरा गांव बांस के ट्रैक्टर से अपनी खेती करता है, जिससे सभी गांव वालों की फसल बहुत अच्छी होती है। प्रकाश, तुमने ये बांस का ट्रैक्टर बनाकर सभी के लिए बहुत अच्छा काम किया है। मैं तुम्हें इस बात पर एक बड़ा ऑर्डर देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा ये बांस का ट्रैक्टर इस गांव के बाहर भी जाए और सब इसको पहचाने। इतना सस्ता ट्रैक्टर तो हर कोई खरीदना चाहेगा। इस ट्रैक्टर का तो सबको फायदा मिलना चाहिए। तुम्हारे मैकेनिक दिमाग ने सच में करिश्मा कर दिया है। जी सर, मैं आपके लिए जरूर बांस का ट्रैक्टर बनाऊंगा। अगर मैं किसी के काम आ पाया तो ये मेरा सौभाग्य होगा। केशव प्रकाश के साथ एक बहुत बड़ी डील करता है। धीरे धीरे प्रकाश अपनी एक कंपनी खोल लेता है और अमीर बन जाता है। उसके बांस के ट्रैक्टर से सभी लोग खेती करते हैं और अच्छी फसल उगा पाते हैं। सबकी मदद करके प्रकाश भी बहुत खुश था। देखो बेटा, मैंने कहा था ना, ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है। तुम्हारी मैकेनिक की पढ़ाई एक समाज सेवा के लिए काम आई है। अगर तुम्हारी वो नौकरी नहीं छूटती तो हम सबको ये बांस का ट्रैक्टर नहीं मिलता, और अगर ये बांस का ट्रैक्टर नहीं मिलता तो हमारी इतनी अच्छी फसल नहीं होती। प्रकाश, तुमने हमारी बहुत मदद की है। हमारी तो हिम्मत ही नहीं थी कि हम इतने महंगे वाले ट्रैक्टर ले पाते, पर तुमने हमारी समस्या को समझकर इतना अच्छा ट्रैक्टर हमें दिया है। इसके लिए तुम्हारा जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है। आप सबके आशीर्वाद से ही ये संभव हो पाया है। मुझे खुशी है कि मैं आप सबके काम आ पाया। आप इसी तरह मुझ पर आशीर्वाद बनाए रखें, मैं इसी तरह से तरक्की करता रहूंगा। प्रकाश हाथ जोड़कर सबका अभिनंदन करता है और सभी उसके स्वागत में तालियां बजाते हैं, तथा गांव के सरपंच भी उसे सभी के सामने सम्मानित करते हैं। प्रकाश अब सबकी नजरों में बहुत अच्छा बन गया था। वो अब बांस के ट्रैक्टर वाले के नाम से जाना जाने लगा था। प्रकाश और रमाकांत अब बहुत अमीर हो गए थे और सुखपूर्वक जीवन जी रहे थे। रजनी शहर से अपने गांव में वापस आई थी। रजनी की दादी ने उससे कहा, बेटा रजनी, तू बाल खोलकर इधर उधर घूमती रहती है। देख, मुझे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तू नहीं जानती कि इस उम्र में लड़कियों को बाल खोलकर इधर उधर नहीं घूमना चाहिए। दादी आप भी ना, पता नहीं कैसी कैसी बातें करते रहती हो। भला अब इन सब चीजों को कौन मानता है? कोई बात नहीं बेटा, अगर तुझे नहीं मानना तो मत मान, लेकिन दोपहर में गांव के शीशम के पेड़ के नीचे से खुले बालों में भूल कर भी मत गुजरना। दादी तुम अब तक पुराने विचारों में खोई रहती हो, मैं इन सबको नहीं मानती हूँ। बेटा देख, जो मैं कहती हूँ उसे मान ले, इसमें तेरी ही भलाई है। रजनी अपनी दादी की बातों को अनदेखा कर अपने कमरे में चली जाती है और अपने बिस्तर पर बैठकर सोचती है। गांव वालों को लगता है कि शीशम के पेड़ पर कोई आत्मा है। मुझे गांव वालों का ये भ्रम दूर करना होगा। मैं आज दोपहर ही शीशम के पेड़ के नीचे जाऊंगी और देखूंगी कि क्या सच में वहाँ पर कुछ है। रजनी दोपहर में बाल खोलकर शीशम के पेड़ के नीचे चली जाती है और वहाँ जाकर चिल्लाती है, कोई है यहाँ पर? क्या कोई है जो मुझे सुन रहा है? रजनी को
कोई जवाब वहाँ नहीं मिलता। फिर वहाँ अचानक से एक तेज हवा का झोंका आता है जो रजनी के बालों को छूता हुआ निकल जाता है। रजनी डर जाती है, क्या कोई मेरे पीछे खड़ा है? मुझे मुड़कर देखना चाहिए। और वो घूमकर पीछे देखती है, वहाँ पर कुछ नहीं होता। गांव वालों और दादी की बात सुन सुनकर मेरा भी दिमाग खराब हो गया है, चलो अब घर वापस चलते हैं। रजनी फिर अपने घर वापस आ जाती है और आराम से सो जाती है। रात के लगभग 11 बजे रजनी को लगता है कि उसके कमरे में कोई था जो उसे आवाज लगा रहा था। उसे आवाज सुनाई देती है, रजनी 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 रजनी। रजनी उठकर बाहर की तरफ देखती है लेकिन बाहर कोई नहीं था। मुझे लगता है आज मैं ज्यादा थक गई हूँ, मुझे आराम से सो जाना चाहिए। रजनी फिर से लेट जाती है। इस बार आवाज रजनी के कानों में जाती है, रजनी क्या मुझसे बात नहीं करोगी? तुमने मुझे बुलाया तो मैं आ गई। रजनी रजनी की आंखें तुरंत ही खुल जाती है, पर उसके पास में कोई था और वो ये देख कर डर जाती है क्योंकि उसके पास में जो खड़ी थी वो एक लड़की थी जिसका पूरा शरीर जला कटा हुआ था। उसके बाल भी जले हुए थे, उसके नाखून बहुत लंबे थे, वो देखने में बहुत भयानक लग रही थी। रजनी बहुत तेज चिल्लाती है, दादी 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 बचाओ। दादी के कमरे में आते ही लड़की गायब हो जाती है। क्या हुआ रजनी, क्यों चिल्ला रही है बेटा? दादी कोई था यहाँ पर, कोई था बेटा, पर यहाँ पर कोई नहीं था। तू आराम से सो जा, तूने बुरा सपना देखा होगा, देख यहाँ कोई भी नहीं है। नहीं दादी, मेरा विश्वास करो, यहाँ पर कोई था। अरे कोई नहीं था, तेरा भ्रम होगा, चल मैं तेरे पास लेट जाती हूँ। दादी रजनी के पास लेट जाती है। रजनी को सोए हुए कुछ ही टाइम हुआ था तभी थोड़ी देर बाद रजनी की दादी को लगा जैसे कोई उसका हाथ पकड़ रहा हो। बेटा आराम से सो जाओ, डरो मत और मुझे टच मत करो। पर दादी मैंने आपको टच नहीं किया। फिर रजनी ने देखा वही लड़की अब रजनी के हाथ को पकड़े हुए थी। रजनी पूरी तरह से डरते हुए चिल्लाती है, दादी देखो। रजनी की आवाज सुनकर दादी उठ गई। क्या हुआ बेटी? दादी वो फिर से यहाँ पर आई थी और वो बहुत ही भयानक है। वो आई थी दादी, वो मुझे मार देगी। कौन आई थी बेटी? यहाँ पर कोई नहीं है। तब तक रजनी रोते रोते सब कुछ बताती है। दादी मैं आपके मना करने पर भी शीशम के पेड़ के नीचे बाल खोल कर गई थी और वहाँ पर जाकर मुझे महसूस हुआ जैसे वहाँ कोई था जो मुझे सुन रहा था। उसने मेरे कानों में भी बोला कि उसे मुझसे बातें करनी है और दादी तब से ही मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। मैंने तुझे मना किया था लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। अब सिर्फ तांत्रिक बाबा ही हैं जो तेरी मदद कर सकते हैं। रजनी दादी के साथ तांत्रिक के पास जाती है। तांत्रिक बाबा रजनी को देखकर बोलते हैं, इस लड़की पर तो शीशम के पेड़ वाली चुड़ैल का साया है और वो ऐसी चुड़ैल है जिसको बुलाया जाए तभी आती है। वो किसी न किसी की बलि लेकर ही जाती है, बिना बलि लिए वो नहीं जाती। महाराज कुछ भी करो लेकिन मेरी बेटी को बचा लो। इसका एक ही उपाय है, तुम्हें अपने घर से सरसों के दो मोटे दाने लेकर आने होंगे। ठीक है मैं लेकर आती हूँ। रजनी तब तक वहीं रुक जाती है। तांत्रिक उस पर तंत्र मंत्र पढ़ता है, उसके अंदर चुड़ैल को प्रकट कर देता है।
तूने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? इस लड़की का पीछा छोड़ दे, क्यों इसके पीछे पड़ी है? नहीं, नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, मुझे इसने बुलाया है, मैं खुद इसके पास नहीं आई हूँ, मैं अब इसे अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। मैं तुझे कह रहा हूँ, इस लड़की को छोड़ दे, वरना तू खुद का अस्तित्व खो देगी। तुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि तू मेरा कुछ बिगाड़ सके तांत्रिक। तभी रजनी की दादी वहाँ पर आ जाती है और रजनी को देखकर बोलती है, क्या हुआ, क्या हुआ रजनी को, इसकी आंखें लाल क्यों है? कुछ नहीं हुआ है, सरसों के दाने मुझे दो। तांत्रिक सरसों के दाने रजनी के दोनों घुटने के पास रख देता है। तभी चुड़ैल अपने हाथ लंबे करके तांत्रिक और रजनी की दादी को उठा लेती है, लेकिन कुछ ही पल में तांत्रिक की विद्या काम करने लगती है। चुड़ैल दोनों को छोड़ देती है और दर्द से चिल्लाती है, मुझे जाने दो, मैं तुझे कह रही हूँ तांत्रिक, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वरना तू अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। मेरे होते हुए तू इस लड़की का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तुझे यहाँ से जाना होगा। नहीं, नहीं, मैं लड़की को लेकर ही जाऊंगी। शीशम के पेड़ वाली चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो अपने लंबे नाखूनों को और लंबा करती है और उसे तांत्रिक की आंखों में घुसा देती है। तांत्रिक खुद को उसे छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन चुड़ैल उसकी आंखें निकाल लेती है और फिर तांत्रिक के पेट में अपने लंबे नाखून गड़ा देती है और फिर तांत्रिक मर जाता है। मैं किसी की आत्मा को जरूर लेकर जाती हूँ, मुझे आत्मा मिल गई है, अब मैं लेकर जा रही हूँ। तुम आजाद हो लड़की, और अब दोबारा ऐसी गलती मत करना। शीशम के पेड़ वाली चुड़ैल फिर वहाँ से चली जाती है और दादी फिर रजनी से कहती है, बेटा देख तूने क्या किया, आज तांत्रिक बाबा तेरी वजह से मर गए। मुझसे आज तू वादा कर, आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। रजनी अपनी दादी से वादा करती है और फिर वो शीशम के पेड़ वाली चुड़ैल कभी नहीं आती।